कोई ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करें जिसका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से हो, जिसका ताल्लुक शेयर प्राइस से हो, तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो होता है, वो दिलचस्पी तो लेते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन उन्हें स्टॉक मार्केट कभी समझ में नहीं आती कि यार स्टॉक मार्केट में ये आज कारोबार ऊपर चला गया, नीचे चला गया, शेयर प्राइस गिरती क्यों है, बढ़ती क्यों है। तो ये हमारे सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरह प्राइस ऊपर होती है, नीचे होती है, कंपनी की वर्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो एंड सो ग्रेजुअली हम ये सीखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें, कोई भी एंटिटी जो भी होती है, कोई भी एंटिटी जो भी होती है, उसका अगर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाए, एक पब्लिक लिस्टेड एंटिटी का ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किया जाए कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहता हूं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम इस टॉपिक के अंदर एक ऐसा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे जो आगे जाके मुख्तलिफ टॉपिक्स में भी हमें आसानी पैदा करेगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करें। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी कंपनी जब ऑपरेट करती है तो उसके शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर्स काम नहीं करते। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं इंप्लॉयज। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, रन द कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपना पैसा उन्हें देकर वो कहते हैं जी आप चलाएं और हमें इन रिटर्न कुछ दें। शेयर होल्डर क्या एंटिसिपेट करते हैं कंपनी से? शेयर होल्डर कंपनी से एंटिसिपेट करते हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा। अब मेरे जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर मैं किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीदता हूं तो वहां से मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? तो रिटर्न के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिटर्न का कंपोनेंट होता है डिविडेंड इनकम जो कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को, और दूसरा रिटर्न का कंपोनेंट होता है कैपिटल गेन। सवाल ये पैदा होता है क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? तो इसका आंसर है नहीं। क्या हर कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देती है? इसका आंसर है नहीं। सही है। क्या डिविडेंड कांस्टेंट रहता है? इसका आंसर है नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो डिविडेंड कंपनी को कितना देना चाहिए, कम देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। इसकी बहस हम करेंगे एक टॉपिक के अंदर विच इज कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी। और इस डिविडेंड पॉलिसी के अंदर थियोरिटिकल सवाल बनता है एग्जाम में 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, कि जी डिस्कस करें कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है और क्या क्या नहीं है। हाँ, चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल, पहला टॉपिक चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी नहीं चल रहा ना, मैं टॉपिक बाय टॉपिक चलूंगा। आप उसको बुक से भी लिंकअप कर लीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर बुक में 3-4 चैप्टर्स नॉर्मली कवर हो रहे होते हैं। किसी में 2 चैप्टर, किसी में 1 चैप्टर, किसी में 3 चैप्टर, किसी में 4 चैप्टर्स। तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलना चाहिए वो एक अलग बहस है, डिबेट है। कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देती, ज्यादा देती है, कम देती है, हमें तो कंसर्न नहीं है फिलहाल। हमें कंसर्न है कि शेयर होल्डर जब किसी कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो क्या एंटिसिपेट करेगा। वो ये एंटिसिपेट करेगा कि कंपनी उसे डिविडेंड देगी। अच्छा, कंपनी डिविडेंड कहाँ से देगी? तो तुम लोग अभी F9 में जो ना वो काफी पेपर पढ़ते आ रहे हो पीछे से, तो कंपनी डिविडेंड देती है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी ना कंपनी। तो इसका मतलब है प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी कम होगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन डिविडेंड कोई कंपलसरी पेमेंट नहीं होती, डिविडेंड ऑप्शनल पेमेंट होती है। और डिविडेंड डिसाइड कौन करता है? डिविडेंड देने का जो डिसीजन है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं कि डिविडेंड दिया जाए तो डायरेक्टर्स देंगे, और अगर चाहते हैं डायरेक्टर्स के ना दिया जाए तो डायरेक्टर्स कहेंगे हम इस साल वी आर नॉट इंटरेस्टेड, भाई मेरा मूड नहीं है डिविडेंड देने का, चलो क्या कर लोगे,
शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकता। शेयर होल्डर ऑल दो कंपनी का ऑनर है लेकिन डिविडेंड के डिसीजन के बारे में वो होपलेस है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि डिविडेंड उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, नंबर वन बात। इसका मतलब है डिविडेंड फिक्स नहीं होता। नंबर टू, दूसरा वो एंटिसिपेट करता है कैपिटल गेन। आप जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उन्हें अच्छी तरह से पता है कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन होता है इंक्रीज इन शेयर प्राइस। जब आप किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि जितने प्राइस के ऊपर मैंने शेयर्स खरीदे थे उस प्राइस में अगर इंक्रीज आती है तो कैपिटल गेन होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो कैपिटल लॉस भी हो सकता है। लेकिन लॉस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हर बंदा इन्वेस्टमेंट इस इंटेंशन से करता है कि मुझे कैपिटल गेन होगा, कैपिटल लॉस नहीं होगा। अच्छा, शेयर प्राइस बढ़ेगी कब, शेयर प्राइस कम कब होगी, ये तो स्टॉक मार्केट बताएगी। इसका शेयर होल्डर के हाथ में तो इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, इसका तो शेयर होल्डर के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। शेयर्स आप बेचें या ना बेचें, मार्केट के अंदर प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो आपको गेन होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। जब आप बेचेंगे तो टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। अब देखें, जब शेयर होल्डर को रिटर्न दो तरफ से मिल सकता है, डिविडेंड की फॉर्म में और कैपिटल गेन की फॉर्म में, तो शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना रहा हूं। टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न, F9 में फॉर्मूले बहुत इस्तेमाल होते हैं, TSR, टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न दो चीजों पे बेस करता है। वन इज कॉल्ड द डिविडेंड, उसको इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड मिला, डिविडेंड यील्ड, प्लस कैपिटल गेन। ये हम आगे जाके इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, अभी मेरा इरादा नहीं है कैलकुलेशन करने का। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट शेयर होल्डर्स का रिटर्न डिविडेंड पे बेस कर रहा है और कैपिटल गेन के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन अनसर्टेन है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, सही है? अच्छा, दूसरी चीज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसका एक तरीका यह है कि आप हर साल इंक्रीज डिविडेंड दें, तब उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, या फिर आप कंपनी की शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए कुछ करें, शेयर प्राइस इंक्रीज होती जाए, शेयर प्राइस हर साल इंक्रीज होती जाए, हर महीने इंक्रीज होती जाए। ये दो काम अगर डायरेक्टर्स कर लें तो शेयर होल्डर विल बी हैप्पी कि यार देखो मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, मुझे इस साल डिविडेंड भी मिला, मेरी शेयर की प्राइस इस साल 2 रुपए से बढ़ गई, तो शेयर होल्डर वुड बी हैप्पी। अच्छा, अगर शेयर होल्डर खुश होगा तो क्या होगा, एक शेयर होल्डर अगर खुश होता है तो वो क्या करेगा, अगर एक शेयर होल्डर खुश होता है तो अल्टीमेटली वो कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं बेचेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेगा। और अगर एक शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड हो जाता है तो वो शेयर होल्डर क्या करेगा, वो स्टॉक मार्केट में जाकर कंपनी के शेयर्स बेच देगा। ये शेयर होल्डर का रिएक्शन होता है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है शेयर होल्डर हैप्पी हो या नाराज हो, हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होंगे तो उसका एक इंडिकेटर ये होता है, एक सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स का इंडिकेटर होता है कि मार्केट के अंदर आपकी शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड हो जाएं किसी वजह से तो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस के अंदर एक डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। ये थ्योरी कहती है, थ्योरी के रूल्स ये कहते हैं कि ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। शेयर होल्डर अच्छी चीजों से खुश होता है और उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे शेयर प्राइस बढ़ती है, और अगर डिससेटिस्फाइड होगा तो शेयर प्राइस गिर जाएगी। तो ये तो ओवरऑल हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें शेयर होल्डर्स को वेल्थ को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। क्यों इन्वेस्टमेंट की है भाई, उसने सदका खैरात करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है कि आप उसकी वेल्थ को प्रोटेक्ट ना करें, आप उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज ना करें। वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में पैसा नहीं दिया उसने, वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाएगा इसलिए ताकि उसे दूसरी जगहों से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स
टू प्रोटेक्ट द रिटर्न टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ये एक कॉन्सेप्ट हम यहां लेके चलते हैं। अब देखें क्या फाइनेंस मैनेजर जो होता है उसके डिसीजंस क्या होते हैं जिससे वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। सो फाइनेंस मैनेजर जो किसी भी कंपनी का होता है, जो कंपनी के फाइनेंस के बारे में डील कर रहा होता है, वो डिसीजन लेगा कंपनी के बारे में, डायरेक्टर्स जो भी होगा, इसको कहते हैं CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो कि कंपनी के फाइनेंस चलाता है। उसके पास मेनली तीन तरह के डिसीजन होते हैं। एक डिसीजन वो लेता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक डिसीजन वो लेता है कंपनी के फाइनेंसिस के बारे में, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और एक डिसीजन वो लेता है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। ये मेनली तीन बड़े डिसीजन हैं जो कि एक फाइनेंस मैनेजर के डोमेन में आते हैं। कल कोई तुम्हें फाइनेंस मैनेजर बना दे किसी कंपनी का, तो आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्लान करोगे, उसके फाइनेंसिस के बारे में प्लान करोगे, उसके डिविडेंड के बारे में प्लान करोगे, ठीक है। और अदर डिसीजन, और भी बहुत सारे डिसीजन होते हैं, उसको मैं अदर में डाल देता हूँ, अदर डिसीजन विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। 1, 2, 3 नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है, फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है, डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब है, जो भी मतलब हो, अल्टीमेटली जो काम हम करेंगे उसका ताल्लुक किससे होना चाहिए। देखिए बार बार चैट पे मैसेज करेंगे ना, आई कांट पॉज माई लेक्चर और आपको हर बात का जवाब मिलेगा। आराम आराम से पूछें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इन सारे डिसीजंस का ताल्लुक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। CFO जो है वो डायरेक्टर होता है, ऑब्वियसली CFO इज अ डायरेक्टर, और जो उसके अंदर फाइनेंस की टीम काम कर रही होती है वो भी, वो सारे इम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लेगा वो इम्प्लॉयज के थ्रू ही ले रहा होता है। सो हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई भी काम करेंगे तो आप एक गुत्थी में डाल लें अपने कि हमारा टारगेट क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है हर हाल के अंदर, सही है जी। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कंपनी को अपना आगे ग्रोथ के लिए नई नई इन्वेस्टमेंट्स करनी होती, कंपनी को ग्रो करना पड़ता है। अगर एक कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कहां से कमाएगी। तो कंपनी की ग्रोथ दो तरह की होती है, एक कंपनी की इंटरनल ग्रोथ होती है, एक कंपनी की एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, जिसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक तबानी इसकी एग्जाम्पल से देता हूं। तबानीज अगर फॉर एग्जाम्पल एक नई ब्रांच खोलता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जी कोरंगी के अंदर एक ब्रांच खोल लेते, तो ये इंटरनल ग्रोथ होगी, क्योंकि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सही है। लेकिन अगर तबानीज किसी कॉलेज को एक्वायर कर लेता है, किसी स्कूल को एक्वायर कर लेता है, तो ये कहलाएगी एक्सटर्नल ग्रोथ, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ स्लो होती है, आहिस्ता 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 आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर दूसरी प्रोडक्ट होती है, फिर नई मार्केट में जाते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। अगर फॉर एग्जांपल तबानीज को लाहौर में कदम जमाने, तो वो इंटरनल ग्रोथ के जरिए भी जा सकते हैं, वो एक्सटर्नल ग्रोथ के जरिए भी जा सकते हैं। इंस्टेंट एक्सटर्नल कंपैरेटिवली आसान है, वहां कोई छोटा मोटा कॉलेज एक्वायर किया, उसका बोर्ड चेंज किया, बाहर बोर्ड लगा दिया तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, चले जी शुरू। सो एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉर्मली, इसको भी हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये एक्सटर्नल ग्रोथ का बेहतरीन तरीका है। एंड दिस इज द एक्सटर्नल ग्रोथ, मर्जर एंड एक्विजिशन। जैसे अभी कुछ अरसे पहले जैज ने वारिद को एक्वायर किया, अब वारिद के जितने भी कस्टमर्स हैं सब जैज के हो गए, सो नाउ जैज इज अ बिग बिजनेस, अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्पीट कर सकता है। तो कंपनी एक डिसीजन लेती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले रहे,
हम ये नहीं पढ़ रहे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होगा ही ना, हम तो उसकी फाइनेंसिंग कैलकुलेशन साइड पे बात कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जहां भी इन्वेस्टमेंट की जाए वहां से सफिशियंट प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, और हम अपने सिलेबस में इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चेक करने के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाएंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम इवैल्यूएट करते हैं, और उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो तुमने F2 में पढ़ी होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, पेबैक पीरियड, जस्ट दोबारा इसको वहीं से कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखें जी, जब एक कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाएगी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवैल्यूएट करेगी कि हमने सही इन्वेस्टमेंट की या सही इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, जिसमें एक टेक्निक होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक टेक्निक होती है IRR, एक टेक्निक होती है पेबैक, जो तुम लोगों ने F2 में पढ़ी हुई होगी। उस पर हम आगे जाके बात करेंगे, हमारा पूरा टॉपिक है NPV, IRR, पेबैक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जहां भी आप पैसा लगाएं वहां आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दें, प्रॉफिट कमाएं, ताकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दिया जाए। इसके अलावा कंपनी जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेती है, व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? Obviously, डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी को जब फंड्स की जरूरत पड़ती है, चाहे पहली मर्तबा हो जब कंपनी बनेगी या बाद में हो, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, अब उस कंपनी को कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, कोई मशीन खरीदनी है, तो कंपनी इज आस्किंग कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा कंपनी के पास, कंपनी वो पैसा कहाँ से लेकर आएगी? तो कंपनी अपने फाइनेंसिंग डिसीजंस को इवैल्यूएट करती है। तो कंपनी के पास दो तरह के फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं। एक डिसीजन ये होता है कि कंपनी इक्विटी फाइनेंस रेस कर ले। अब मैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, उसको मैं रिलेट करूंगा, इक्विटी फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग। तुम्हें F3 में पढ़ाया होगा कंपनीज के अंदर किसी भी टीचर ने कि ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, डेट फाइनेंसिंग होती है, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई होंगी। एक सेकेंड जस्ट होल्ड, कि कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये होगा कि इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जाए, कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाए। अब ये डिसीजन लेना डायरेक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि कंपनी के पास फंड्स किस फॉर्म में आने चाहिए। क्या कंपनी फंड रेज करने के लिए मार्केट में शेयर्स इशू कर दे, या किसी बैंक से लोन ले ले, किस तरह से काम करें? इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ एनी कंपनी, फाइनेंसिंग डिसीजन। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी इक्विटी फाइनेंस रेस करती है तो इक्विटी फाइनेंसिंग कहां से आएगी कंपनी के पास? कंपनी मार्केट के अंदर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर देगी। तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, फंड्स आ जाएंगे। अगर कंपनी को डेट फाइनेंसिंग लेना है तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी या तो किसी बैंक से लोन ले लेगी, या फिर किसी मार्केट के अंदर डिबेंचर इशू कर देगी, या किसी मार्केट के अंदर बॉन्ड्स इशू कर देगी। तो कंपनी के पास रिक्वायर्ड पैसा आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम दैट एक कंपनी को $500,000 की अमाउंट चाहिए। कहां से पैसा ले कंपनी? एनी एडवाइस? $500,000 चाहिए कंपनी को, फाइनेंस चाहिए $500,000 का,
कहां से लेकर आए फाइनेंस? आपका एग्जामिनर आपसे इसके ऊपर पूरा सवाल बनाता है कि कंपनी को $5,00,000 चाहिए, कंपनी का एक ऑप्शन इक्विटी फाइनेंसिंग है, दूसरा ऑप्शन डेट फाइनेंसिंग है, आप इवेल्युएट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, इक्विटी फाइनेंसिंग ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, अच्छा है, बुरा है, क्या किया जाए? देखें, ये इतना आसान काम नहीं है कि आप कहते हैं कि शेयर्स इशू कर दो या डेट ले लो, ये इतना आसान काम नहीं है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो मुझे ये सजेशन दे रहे हैं कि डेट फाइनेंसिंग ले ली जाए, तो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बताता हूँ डेट फाइनेंसिंग का। डेट फाइनेंसिंग की फॉर्म में अगर हम पैसा रेस करते हैं तो मुझे उस डेट के ऊपर कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एम आई राइट? एन इंटरेस्ट इज गारंटीड। तो प्रॉफिट ना हुआ तो फिर क्या होगा? रिड्यूस प्रॉफिट हुआ फिर क्या होगा? मुझे तो हर हाल में इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या मेरे पास इतना प्रॉफिट मौजूद है कि मैं डेट वालों को टाइमली इंटरेस्ट दे सकूं? पहला सवाल। कोई अगर मुझे ये ऑप्शन देता है कि शेयर्स इशू कर दिए जाएं, तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की है, सो वो कंपनी से हाई रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैं शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेस करूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। अगर मैं डेट की फॉर्म में कंपनी में पैसा रेस करता हूं तो मुझे कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? 100% इक्विटी फाइनेंस रेस की जाए या 100% डेट फाइनेंस रेस किया जाए? तो हम एक कॉम्प्रोमाइजिंग सॉल्यूशन पे आते हैं। हम कहते हैं कि यार मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं रेशियोज के टॉपिक के ऊपर। तुम लोगों ने F3 के अंदर पढ़ा होगा, जिसने F5 पढ़ा हुआ है उसको F5 पे टीचर ने बताया होगा, जिसने F7 पढ़ा है उसको तो बहुत अच्छी तरह से उसके टीचर ने बताया होगा कि फलां रेशियो होती है, डेट रेशियो होती है, इक्विटी होती है, इंटरेस्ट कवर होता है। मैं आपको दो रेशियोज पे बात करता हूँ। हम जब मिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आइडियली इक्विटी और डेट का पोर्शन कितना होना चाहिए। तो एक सवाल जहन में आता है स्टूडेंट्स के कि सर 50-50 कर लें। चलें कर लेते हैं, तुमने बोला तो कर लेते हैं 50-50। क्या ये 50-50 ज्यादा सूटेबल है? क्या ये 60-40 होना चाहिए? क्या ये 40-60 होना चाहिए? क्या एनी आइडिया कि आपका जो मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सूटेबल मिक्स क्या होना चाहिए? क्या आपकी फाइनेंसिंग के अंदर डेट ज्यादा होना चाहिए? क्या आपकी फाइनेंसिंग के अंदर इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए? 60-40? तो इसका एक जवाब आप सुन लें। आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा सबको डिलीट मारें और ये बात जहन में बिठाएं कि इसका कोई सॉल्यूशन स्टेब्लिश नहीं हुआ। 60-40, 50-50, 20-80, 30-70, कुछ भी नहीं, नथिंग। 50-50 एब्सर्ड, बेकार, कुछ भी नहीं है। 60-40 बेकार, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा F9 में के सॉल्यूशन क्या है। मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग चूज करते वक्त जो मिक्स बनाया जाएगा उसको बनाते वक्त किन फैक्टर्स का ख्याल रखना, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मैं एक ऐसा मिक्स बनाता हूं जिसके अंदर इक्विटी और डेट का एक ऐसा मिक्स बनाता हूं जिसमें 20% डेट हो और इक्विटी हो और 80% डेट हो, क्या ये चलेगा? ये बड़ा खतरनाक किस्म का मिक्स है, क्योंकि डेट के ज्यादा होने से कंपनी में एक रिस्क क्रिएट होता है एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। जितना ज्यादा आप डेट बढ़ाएंगे उतना कंपनी रिस्की हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना तो डेट नहीं बढ़ाएंगे कि कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए। अब एक स्टूडेंट के सवाल में दिमाग में सवाल आता है, सर ये फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ये क्यों अराइज हो रहा है?
डेट बढ़ने से इस फाइनेंशियल रिस्क का ताल्लुक क्या है? तो मैं कहता हूं देखो, डेट बढ़ने से अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम क्या होगा, जस्ट वेट, डेट बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होगा देखें जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप लोगों ने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है? तो आपको मैं थोड़ा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लेके जाता हूँ। देखिए, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख का, इसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस किए, 1 लाख के एक्सपेंसेस माइनस हो गए, तो आपके पास आंसर आया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख का। फिर आपने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इस वक्त आपके पास इंटरेस्ट मौजूद है 20,000 का, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 80,000 का, उसमें से आपने टैक्स कैलकुलेट किया और आपने 30,000 का टैक्स माइनस कर दिया, सपोज अपनी तरफ से ले रहा हूं, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहां से आपकी कहानी शुरू हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट वालों को अगर आपको रिटर्न देना है तो कहां से देंगे? डेट वालों को आप रिटर्न देंगे यहां से, किसमें से देंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। शेयर होल्डर्स को रिटर्न कहां से देंगे? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से देंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट बढ़ा दूं, क्योंकि मैं जितना डेट इंक्रीज करूंगा अल्टीमेटली इंटरेस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं इंटरेस्ट का एलिमेंट बढ़ाऊंगा तो मेरे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड मिलने के चांसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? डिविडेंड मिलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो शेयर होल्डर फ्रस्ट्रेट होगा। शेयर होल्डर कहेगा यार मैंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है और आप धड़ाधड़ इंटरेस्ट दिए जा रहे हो ताकि मुझे आखिर में कुछ हो सकता मिले ही ना, और डिविडेंड गारंटीड भी नहीं होता। तो जब कंपनी डेट बढ़ाएगी तो शेयर होल्डर के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाता है। क्या डेट होल्डर के लिए रिस्क क्रिएट नहीं होता? यस, डेट होल्डर के लिए भी रिस्क क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरना शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली ये तो डिजास्टर हो जाएगा दोनों के लिए। डेट होल्डर को भी रिस्क फील होता है, शेयर होल्डर को भी रिस्क फील होता है, लेकिन शेयर होल्डर का जो रिस्क एलिमेंट है वो डेट होल्डर के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि डेट होल्डर को पहले पेमेंट की जाती है और आखिर के अंदर शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है, तो डेट होल्डर थोड़ा सा सिक्योर होता है, वो उसको थोड़ा सा ईज होता है, कंफर्ट जोन में होता है कि यार कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, प्रॉफिट में से पहले मुझे मिलेगा। लेकिन शेयर होल्डर को ये टेंशन होती है कि अगर इंटरेस्ट देने के बाद अवेलेबल प्रॉफिट नहीं बचा तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसलिए डेट क्या होना चाहिए? डेट कम होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए। लेकिन फिर एक सवाल जहन में आता है कि क्या डेट बढ़ाने का कोई फायदा भी होता है या सिंपली नुकसान ही नुकसान है? तो हम कहते हैं कि डेट बढ़ाने का एक जो सबसे बड़ा फायदा है जिसकी फेवर में मैं बात करूंगा, वो फायदा ये है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर आप डेट की फॉर्म में फाइनेंस लेते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर आप शेयर्स की फॉर्म में फाइनेंस लेते हैं तो आपको महंगा मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है क्यों सस्ता मिलेगा? क्योंकि जो डेट होल्डर होता है उसको कम रिस्क फील हो रहा था कंपनी में, वो कंपनी में कम रिस्क फील करता है, उसका रिस्क क्या होता है? उसका रिस्क कम होता है। व्हाई रिस्क इज लेस? क्योंकि इंटरेस्ट इज कंपल्सरी, उसको पता है कि कंपनी को कुछ भी हो जाए मैं कंपनी के एसेट्स बेच के भी इंटरेस्ट निकलवा लूंगा। एंड अदर थिंग इज दैट उसकी जो डेट होती है वो सिक्योर्ड होती है। सिक्योर्ड कैसे होती है डेट? एनी आइडिया कि डेट होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिक्योर्ड कैसे होती है? फ्लोटिंग चार्ज, आई थिंक, वेरी गुड, यस,
वो आपकी कंपनी के एसेट्स के ऊपर आपकी कंपनी के एसेट्स को मॉर्गेज करवा देता है, वो आपकी कंपनी के एसेट्स के ऊपर एक अदद चार्ज लगा देता है, चार्ज की टाइप्स होती है, मैं उस पर नहीं जा रहा, चार्ज लगा देता है। सर ये चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब ये होता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं, लेकिन आपकी शारा फैसल के ऊपर जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग हमारी है जब तक आप लोन वापस नहीं कर देते। अगर आपने लोन रिटर्न नहीं किया तो हम आपकी बिल्डिंग बेच देंगे। सपोज कंपनी कोलैप्स हो गई, डेट होल्डर को कहा कि जी हम पैसा नहीं दे सकते आपको, डेट होल्डर क्या करेगा? डेट होल्डर उस बिल्डिंग को बेचेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा और टाटा बाय बाय खुदा हाफिज कह के निकल जाएगा। क्या ये शेयर होल्डर के पास फैसिलिटी मौजूद है? क्या अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को कहती है कि जी हम आपको कुछ नहीं दे रहे, जाए जो करना है कर लें, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कंपनी के खिलाफ केस भी फाइल नहीं कर सकता कि मेरा डिविडेंड दो, क्योंकि डिविडेंड गारंटीड नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि डेट होल्डर जो होता है, क्योंकि वो कम रिस्क लेता है, इसलिए वो कम रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर भी सेटिस्फाई हो जाता है। क्या मतलब? लेस रिस्क, लेस रिटर्न। ये कौन बात कर रहा है? ये वो बात कर रहे हैं जो ज्यादा डेट की फेवर में है। वो कहते हैं यार अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये सारे आंसर तुम्हें भी मिलते जाएंगे, मेरा लेक्चर सुनते जाओ, यू विल गेट द ईच एंड एवरी आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो अभी तो मैं आपको घुमा रहा हूँ ना, अभी तो मैं आपको, देखिए F9 की ब्यूटी है, F9 इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। F9 को IS-16 नहीं है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और इक्विटी में चला जाएगा और 36 के अंदर इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो P&L में चला जाएगा। F9 F5 नहीं है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। F9 इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, F9 इज ऑल अबाउट डिस्कशन। एक बंदा कह रहा है डेट अच्छी चीज है, दूसरा कह रहा है भाई कहाँ से अच्छी चीज है, इसमें तो ये मसले है। तो हम मसले मसाइल पे बात कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स पे बात कर रहे हैं। और एग्जाम में जब हमें थ्योरिटिकल आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप अगर डेट को जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्यों, और अगर आप इक्विटी को जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों, अगर आप ज्यादा डिविडेंड को जस्टिफाई कर रहे हैं वाई, कम डिविडेंड को जस्टिफाई कर रहे हैं वाई। ये बात ध्यान में रखें कि F9 में ये जब तक डिबेट नहीं होगी ना, यू विल नॉट गेट द कॉन्सेप्ट राइट। ठीक है, सो बात कहां से निकली थी? बात निकली थी यहां से। बात कहां से निकली थी? बात निकली थी मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग से, कि कंपनी ना तो 100% शेयर्स पे रिलाई करती है, ना कंपनी 100% डेट पे रियलाइज 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 करती है, बल्कि कंपनी क्या करती है, कंपनी मिक्स बनाती है। और हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि एक सूटेबल मिक्स क्या होना चाहिए? तो हमने कहा कि अगर आप ज्यादा डेट डालेंगे तो उससे शेयर होल्डर परेशान हो जाएगा, और शेयर होल्डर परेशान होगा तो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। लेकिन साथ साथ हमने एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट डाला कि डेट सस्ता होता है, इक्विटी महंगी होती है, तो बंदा जो ना वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पे ज्यादा रिलाई करेगा रादर देन दी एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सेट है? लेकिन अगर हम ज्यादा डेट डालेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि इंटरेस्ट गारंटीड है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारे दिमाग में थोड़े से डाउट आना शुरू होगा कि अगर मैं ज्यादा डेट रखूंगा तो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या मैं इंटरेस्ट देने की पोजीशन में आऊंगा? व्हाट इफ अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाया तो क्या डेट होल्डर मुझे माफ करेंगे? तो इसका आंसर है नो। डेट होल्डर के पास इतने राइट्स होते हैं कि वो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे और आपको बैंकरप्ट करवा देंगे। तो अब ये जो बैंकरप्ट होने का रिस्क है ना, ये आपको फोर्स करता है कि आपका डेट कम होना चाहिए, और चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको अट्रैक्ट करता है कि आपका डेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे शैतान नहीं भेकाता बंदों को, शैतान बंदा कहीं पढ़ता है कि जन्नत में ये मिलेगा और थोड़ा सा पॉजिटिव मूव करता है, शैतान कहता है हाँ ठीक है बाद में ले लेना यार, अभी तो 50 साल बाकी है तुम्हारे, अभी तो कर लो, तौबा कर लेना। तो ये दो एक्सट्रीम के दरमियान हमें एक डिसीजन लेना है, ज्यादा डेट की तरफ जाएंगे
फायदा क्या है, दैट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. नुकसान क्या है, खतरा, अलार्मिंग सिचुएशन. तो हम कहते हैं यार नहीं, ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए बल्कि रीजनेबल डेट होना चाहिए. ऐसा डेट होना चाहिए जो कि रीजनेबल हो. ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं एक मिक्स आपको देता हूं. मैंने एक मिक्स बनाया जिसमें मैंने इक्विटी डाल दी 60% और डेट डाल दिया 40%. और मैं कह रहा हूं कि यार ये एक अच्छा मिक्स है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड मिक्स. तो जो शेयर होल्डर ने मुझे पैसा दिया है इक्विटी वालों को, उनको मैं क्या दूंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी. वो मुझसे रिटर्न डिमांड करेंगे. जो डेट वालों से मैंने पैसा लिया है वो मुझसे रिटर्न डिमांड करेंगे, रिटर्न ऑन डेट. ये मेरे लिए क्या बनेगी, इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न मेरे लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग. यानी कि हम जहां से भी पैसा उठाएंगे तो हमें इन्वेस्टर को जो कुछ पे करना पड़ेगा वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होगा और हमारे लिए होगा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. तो हम अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, एंड दैट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये एक ही नाम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. तो हम बेसिकली ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब हम फाइनेंसिंग चूज करते हैं तो हमें जो कॉस्ट पे करनी होती है उस कॉस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फंड्स इस तरीके से लिए जाएं कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए. तो मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब मैं तुमसे किसी से पूछता हूं कि यार एक बात बताओ, क्या डेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होगी या डेट घटाने से मिनिमाइज होगी, एनी आइडिया क्या किया जाए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए. अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि डायरेक्टर इतना पावरफुल होता है कि वो शेयर होल्डर को निकाल दे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता भाई. कहाँ से पढ़ लिया तुमने, सारी पावर जो होती है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है और शेयर होल्डर्स अगर चाहे तो सारे डायरेक्टर्स को निकाल सकते हैं. AGM कॉल करेंगे, मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स को निकाल देंगे. शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली पावरफुल होते हैं. तो शेयर होल्डर्स को वो कहते हैं कि आप नाराज हो ना, तो आप एक काम करो, स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स बेचो और दफा हो जाओ यहाँ से. अगर आपको नाराज होना है तो आप नाराज होते रहो, आप हमारी पॉलिसी मेकिंग में बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे. अगर आपको टांग अड़ानी है तो मीटिंग कॉल करो, वहां पर बात करो. बीच में ये मत कहना कि ये प्रोडक्ट लॉन्च क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये एक अल्टीमेट चीज है. तो एक स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, डेट को रिड्यूस कर दिया जाए, और एक कह रहा है कि डेट को इंक्रीज कर दिया जाए. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने के लिए एक स्टूडेंट कह रहा है कि डेट को इंक्रीज कर दिया जाए और एक स्टूडेंट कह रहा है डेट को रिड्यूस कर दिया जाए. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल डालता हूं. फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा KE से, वेरिएबल को मैं, कॉस्ट को मैं KE से और कॉस्ट ऑफ डेट को मैं KD से रिप्रेजेंट करता हूं. देखें जी, मैं आपको एक कारनामा करके दिखा रहा हूं, मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं. देखें जी, लिसन, एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15% और उसका कॉस्ट ऑफ डेट है 8%. ये बात जहन में रखें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है. व्हाई? बिकॉज शेयर्स आर
मोर रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स, एज कंपेयर टू डेट फाइनेंसिंग। अगर एक बंदा शेयर्स में पैसे लगाएगा तो वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा होता है, और जब वो बहुत ज्यादा रिस्क लेगा तो उसका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए तो रूल है फिक्स्ड के शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न डेट वाले के रेट ऑफ रिटर्न से हमेशा ज्यादा मिलता है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से एक्सीड करेगी। अच्छा जी, ये हमारा कॉस्ट है। अच्छा, हमारा जो डेट टू इक्विटी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 60% इक्विटी है और 40% डेट है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी क्योंकि हम डेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इक्विटी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो एवरेज निकलेगा, ये एवरेज होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सिंपल एवरेज नहीं होता, इट्स एन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, कैसे निकाले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मैं छोटी सी आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं। देखें, हमने इक्विटी वालों से कितना पैसा लिया हुआ है, 60%। तो उनको रिटर्न कितना पे करना पड़ेगा, उसका वेट कितना बनेगा, 15 × 6, 9%। एक कंपोनेंट ये बनेगा हमारा एवरेज का। और डेट वालों से कितना पैसा लिया हुआ है, 8%। वेटेज कितनी है, 40%। क्या बना, 3.2। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बनी, 12.2%। ये हमें ऑन एवरेज पे करना पड़ेगा 12.2। क्या ये ज्यादा है? क्या इस 12.2 को हम कम कर सकते हैं? क्या ये 12.2 और बढ़ेगा? व्हाट, क्या ये मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? क्या इसको कम किया जा सकता है? तो मैंने कहा कि काम कर लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट मुझे ये कह रहा है कि डेट बढ़ाएं सर, डेट चीपर होता है, और एक कह रहा है सर डेट मत बढ़ाएं, डेट कम करें, डेट रिस्की होता है, तो मैं दोनों की बातें मानूंगा और दोनों की बातें मानकर थोड़ा सा इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता हूं। बेसिक सी कैलकुलेशन है यार, अगर इक्विटी वालों से पैसा लिया है तो उन्हें 15% रिटर्न देना है, अगर डेट वालों से पैसा लिया है तो उन्हें 8% रिटर्न देना है। हमने 60% पैसा इक्विटी वालों से लिया, 40% पैसा डेट वालों से लिया, तो इक्विटी वालों को हमें 9% देना है और डेट वालों को हमें 3.2% देना है। 12.2% आ गई एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अगर 100% पैसा इक्विटी वालों से लेते तो कॉस्ट होती 15%। अगर 100% पैसा डेट वालों से लेते तो कॉस्ट कितनी होती, कॉस्ट होती 8%। मिक्स बनाएंगे तो कॉस्ट क्या है, इस पर्टिकुलर मिक्स के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी है, 12.2%। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू वांट टू नो? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दें। 15 और 8 मैंने एज्यूम किया है, ये अभी हम निकालना सीखेंगे 15 और 8 कैसे निकालते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना है, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, डेट बढ़ाकर देखते हैं। क्या डेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होती है, या डेट कम करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होती है? मैं जस्ट आई वांट टू शो वन थिंग, जरूरी नहीं है कि डेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो या डेट कम करने से। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दीस, इस नंबर्स पे डिपेंड करता है जो कि हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे जाके। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अगर मैं 40% डेट को 50% कर दूं, 60% कर दूं या 70% कर दूं, तो क्या शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि अभी 15% पर है, क्या वो 15 ही रहेगा? क्या शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा नहीं? क्या शेयर होल्डर चिल्लाएगा नहीं? क्योंकि रिस्क बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। अभी मैं कहता हूं चले एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको दोबारा एक नए रुख पे लेके चलते हैं कि हमने
अपना डेट टू इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और कहा नहीं जी 50-50 होना चाहिए, और शेयर होल्डर भी कह रहे हैं ठीक है हम 15% पे खुश हैं, डेट वाले कह रहे हैं हम 8% पे खुश हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखते हैं कोई फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। अच्छा एक बात जहन में रखें, कोई कंक्लूसिव नहीं है F9 में, ना कोई भी चीज कंक्लूसिव नहीं है कि आप यहां से एक चीज रट्टा मार लें कि सर ऐसे ही होगा कि 50% करेंगे तो वैग गिर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब नंबर्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं और कितने एक्यूरेट नंबर्स हैं, लेकिन हम डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपके पास 15% इक्विटी है और उसका वेट है 50, और आपके पास 8% डेट है और उसका वेट है 50, तो इसके हिसाब से हुआ 7.5% और इसके हिसाब से हुआ 4, दोनों को ऐड किया 11.5%, क्या बना? लुक बैक, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या थी? 12.2, अब क्या हो गई? 11.5, ये तो जादू हो गया, क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि हमने डेट को इंक्रीज किया तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पचास पचास के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम करें ट्रायल एंड एरर, चेक कर रहे हैं 20% रखो तो क्या होगा, 30% रखोगे तो क्या होगा, 60 रखोगे तो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर ना, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सही है। कभी कभार सोया हुआ शेर जो होता है ना वो सोता रहता है, एक कुत्ता बैठा हुआ आप उसको पत्थर मार रहे हो कुछ नहीं कह रहा, आपने एक पत्थर मारा कुछ नहीं कहा उसने, आपने दूसरा पत्थर मारा फिर भी कुछ नहीं कहा, जब आपने तीसरा पत्थर मारा उसने छलांग लगा दी आपके ऊपर, उसने कहा बस मेरे सबर का इम्तिहान। शेयर होल्डर की भी हालत कुछ ऐसी है, वो एक टाइम तक तो खामोश रहेगा लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा छेड़ा तो वो फिर आपके ऊपर अटैक कर देगा। देखें क्या होता है, लेट्स जस्ट सी फेस। देखें जी, किसी ने मशवरा दिया कि जी आप 30% डेट इक्विटी कर दें और 70% डेट कर दें तो बहुत अच्छा है भाई, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, जबरदस्त। हमारे टीचर ने पढ़ाया था डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो जितना ज्यादा डेट रखना चाहते हैं तो रख ले, कोई मसला नहीं है। अब पता क्या होगा, आपने शेयर होल्डर से पूछा भाई आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, पहले तो 15% था, तो उसने कहा मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होगा ना वो 18%। इस तरह की कंपनी में मैं कम से कम 18% पे एग्री होऊंगा, इससे कम पे एग्री नहीं होऊंगा। आपने कहा अच्छा नो प्रॉब्लम। आपने डेट वाले से पूछा भाई तुम बताओ, उसने कहा आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा इसको केडी वाले को? क्योंकि यार इसके तो मजे आ रहे हैं, इसको तो पता है इंटरेस्ट गारंटीड है, इसने शारा फैसल की बिल्डिंग को सिक्योर किया हुआ, इसको क्या टेंशन है, इसको कौन सा रिस्क में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने कहा चलें ठीक है, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बताएं एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? तो मैंने एवरेज कैलकुलेट किया, अब मेरा जो 18% है वो मल्टीप्लाई हुआ 0.3 से और मेरा 8% मल्टीप्लाई हुआ 0.7 से, कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 0.3, आई गेस इट्स 5.4 If I'm not wrong, it's I think 5.4 or 5.6, 11%. देखें तो जादू हो गया, शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ा लेकिन अल्टीमेटली कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो 11.5 से 11% पर आ गई। आपका दिल और खुला, आपने कहा यार ये तो कमाल हो गया यार, इसका मतलब है हम डेट बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती जा रही है, ये दिल मांगे। और आपने कहा चलो और करते हैं कुछ और इंजीनियरिंग करते हैं, आपने कहा 80% कर देते हैं, चलो 80% पे ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि हमें फायदा होता है या हमें नुकसान होता है 80%। तो अब हमने क्या किया, हम लेकर गए इस स्ट्रक्चर को 80% के ऊपर,
हमने कहा 20% इक्विटी रखो, 80% डेट रखो। शेयर होल्डर से पूछा, भाई तुम कितना मांग रहे हो? उन्होंने कहा भाई 20%। बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी हो गई, कम से कम 20%। आपने कहा अच्छा गुड। डेट वाले से पूछा भाई तुम? उसने कहा 10%। आपने कहा पहले तो तुम खामोश बैठे हुए थे? उसने कहा अब खामोश नहीं बैठ सकता, अब कंपनी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ होने वाली है कंपनी के अंदर, तो मैं तो 8% पे सेटिस्फाई नहीं हूंगा। आपने कहा कोई बात नहीं, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो हमने कहा 20% मल्टीप्लाई बाय उसका वेट कितना है 0.2, और 10% का वेट कितना है 0.8, तो कितना हुआ 4%। ये कितना हुआ 8%। ये कितना हो गया? ये हो गया 12%। तो ये 12% रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। अगर मैं इसको पिछली दफा से कंपेयर करूं तो क्या हुआ, ज्यादा डेट बढ़ाने से मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई, अब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ गई। ये जो हमने काम किया है ना, ये ट्रायल एंड एरर के जरिए ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि अगर हम डेट बढ़ाएंगे तो उससे शेयर होल्डर का रिएक्शन क्या आएगा, डेट होल्डर का रिएक्शन क्या आएगा, क्या वो ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किस पे मिनिमाइज होगी, किस पे मिनिमाइज होगी? तो मैं कह रहा हूं मुझे क्या पता, ट्रायल एंड एरर करके चेक कर लेंगे किस पे मिनिमाइज होगी। मुझे क्या पता भाई, मैं कुछ इंजीनियर है, साइंसदान लगा हुआ हूं, मुझे क्या पता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम इजाद नहीं हुआ जो आपको ये बता सके कि इक्विटी और डेट का ऐसा सूटेबल सिस्टम है जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होगी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव तो मिनिमाइजेशन का है, लेकिन हमें ये नहीं पता के इक्विटी और डेट के किस रेशो के ऊपर हम इसको मिनिमाइज करेंगे। या आगे जाके हम सवाल डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरीज डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पे जाकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो सकती है। बट रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना है। अब मैं दो मिनट के लिए आपको सवाल देखें। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपको पता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने का एक टूल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइजेशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप मिनिमाइज कर दें तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है। यू विल बी सरप्राइज, मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ। F2 में NPV पढ़ा है सबने? कहा हाँ, सब बोले हाँ, यस पढ़ा है सर, आता नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ जरूर है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, टीचर ने आपको सिखाया होगा, देखो बेटा NPV ऐसे निकालते हैं। F7 में टीचर ने आपको IFRS 9 में पढ़ाया होगा, बेटा देखो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं। आपको F9 में लग पता जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में कि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। NPV कैसे निकालते हैं? NPV निकालने के लिए आप कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, सही है? आइडेंटिफाई फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस, उसकी PV निकालो। कैसे निकालेंगे भाई PV? PV कैसे निकलती है? तो स्टूडेंट ने कहा कि जी स्टूडेंट ने कहा कि सर इसके लिए आपको एक डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत पड़ती है, Am I right? इसके लिए हमें पढ़ाया गया था कि सर एक डिस्काउंट रेट होता है, वो डिस्काउंट रेट लगाते हैं तो हम फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और NPV आ जाती है। ये आती है, ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट? ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप NPV निकाल रहे हैं और डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं डिस्काउंटिंग का, 1+R^n, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला है। इसमें R है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उतनी NPV कम हो जाएगी,
जितना हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उतनी पीवी गिर जाएगी, और जितना लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उतनी पीवी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाने से नेट प्रेजेंट वैल्यू गिरती है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने से नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर किसी प्रोजेक्ट की बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उससे कंपनी की शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। कैसे मैक्सिमाइज होगी? एनपीवी बढ़ेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, और शेयर प्राइस बढ़ने से कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। देखो अगेन ये थ्योरी कहती है ना, मैं नहीं कह रहा अपनी वाली, मैं मुझे आप माफ कर दे भाई, मैंने कोई एकेडमिक रिसर्च नहीं की भी। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च वर्क, इट्स ऑल अबाउट थ्योरीज, ये थ्योरीज कहती हैं। अब एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, सवाल मैं आप लोगों को रिफ्रेश कर दूं, मुझे अच्छा लगा सवाल। कह रहा है कि डज द शेयर प्राइस इंडिकेट्स द सुपीरियरिटी ऑफ अ कंपनी? फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस ऑफ मैपल लीफ सीमेंट इज नॉट द हाई, बट इट इज स्टिल पीपल ट्रेड इट्स शेयर्स इन हाई वॉल्यूम। वेरी गुड क्वेश्चन। स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे होते ना, उसमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो स्पेकुलेटर्स होते हैं। और स्टॉक मार्केट जो होती है ना, वो कोई इंडिकेटर नहीं होता। क्या आप कहें आज स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से बढ़ गई है तो इकोनॉमी अच्छी है, आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई तो इकोनॉमी बुरी है? इट्स नॉट लाइक दैट। तो स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी के शेयर्स में बाइंग सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो कंपनी दुनिया की बहुत अच्छी कंपनी है। वरना जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, PIA के शेयर्स भी बहुत ट्रेड होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तभी देख लेना मिलियंस ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं PIA के, और PIA पिछले जमानों से 10-12 साल से लॉस में जा रही है। इट्स नॉट लाइक दैट ना, ये कोई इंडिकेटर नहीं होता। और ये आगे चल के फिर हम थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, अभी हमारा कंसर्न नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा तो अल्टीमेटली हाँ, एनपीवी बढ़ने से शेयर प्राइस बढ़ती है। वेरी ट्रू। एनपीवी जो है ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट की जब भी हम निकालते हैं तो पॉजिटिव एनपीवी आने से हमें बेनिफिट्स होते हैं, और बेनिफिट्स बढ़ते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के लिए कोई भी अच्छी न्यूज आती है तो लाइकली चांसेस हैं कि शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर कंपनी के लिए कोई भी बैड न्यूज आएगी तो लाइकली चांसेस है कि उसकी शेयर प्राइस गिर जाएगी। ये आप थ्योरेटिकली दिमाग में रखें कि अच्छी खबर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लाइकली चांसेस हैं कि आपकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, बुरी खबर लाइकली चांसेस हैं कि आपकी शेयर प्राइस जो होगी वो गिर जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल एक न्यूज आई कि पाकिस्तान का कर्जा माफ हो गया, IMF ने कहा जाओ यार क्या याद करोगे गरीब लोगों, तुम्हारा सारा कर्जा माफ किया। उस दिन देखना स्टॉक मार्केट में ना तबाही मच जाएगी, स्टॉक मार्केट आपकी अब नॉर्मली हाई ना हो तो मेरा नाम बदल दें आप, उस दिन ऐसा ना हो। क्यों भाई? क्योंकि अगर IMF पाकिस्तान का कर्जा माफ कर दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो स्टेबल हो जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी, सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, कंपनी को फायदा होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है? तो आपके F9 के पीछे सारा गेम किसका है? आपके F9 के पीछे, स्टॉक मार्केट के पीछे सारा गेम किसका है? सारा गेम इकोनॉमिक्स का। एंड अल्टीमेटली आपका मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना, बस इसी को याद रखो फुरकान मेरे भाई। अगर मेरा नया नाम रखना तो मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। कहाँ आके रुके थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। तो मेरे सामने होते ना फिर तुम्हें थोड़े से मैं ज़्यादा शेर सुनाता। अच्छा जी, इसाक इसने लगता है मुझसे पहले पढ़ा नहीं है ना, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा है। खैर जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई, अब हम थोड़ा सा टॉपिक को समेटते हैं। हमने एक पूरा एक थॉरो बैकग्राउंड डिस्कस किया
F9 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपॉर्टेंस का। अब मैं सीधी शराफत से आ जाता हूँ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बीच बीच में बातें करेंगे अब हम सारी चीजें इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में बीच बीच में बातें करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए कंपनी पैसा कहां से लेती है, कंपनी पैसा लेती है ऑर्डिनरी शेयर से। आप लोगों को ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, आई नो। कंपनी पैसा लेती है प्रेफरेंस वालों से, जो लोग F7 पढ़ चुके हैं प्रेफरेंस भी उनको पता है। कंपनी पैसा लेती है डेट वालों से, डेट बोले तो लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कंपनी पैसा लेती है डेट से। तो अगर कंपनी ऑर्डिनरी शेयर से पैसा लेगी तो उसको जो रिटर्न देगी वो कंपनी के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस वालों से पैसा लेगी जो उनका रिटर्न होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डेट वालों से पैसा लेगी तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेट। जहां से भी पैसा लेगी उसकी कॉस्ट उसके नाम के साथ लगा दें तो वो कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। पहला जो काम आपको सीखना है वो इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना, और दूसरा काम जो आप करेंगे वो फिर आप वेटेज कैलकुलेट करेंगे ताकि आप एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाए। तो हमारा अब एजेंडा क्या है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैन वी कॉल प्रेफरेंस शेयर्स एज डेट फाइनेंसिंग। देखें आप F7 में ना ये डिबेट करते हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये होते हैं, इरिडीमेबल ये होता है, इक्विटी ये होती है, लाइबिलिटी ये होती है। आप F9 में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, F9 इज नॉट अकाउंटिंग, सही है। तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर्स ही ट्रीट करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स को भी शेयर्स ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में ऑर्डिनरी शेयर्स को ही कहता हूं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालो। पता है मुसीबत क्या है, मुसीबत ये है कि शेयर होल्डर्स को तो हम कुछ गारंटी देते ही नहीं, कैसे निकाले भाई, डिविडेंड का तो हमें पता ही नहीं, कैपिटल गेन कितना होगा हमें नहीं पता, तो शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल। तो हम इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालते, हम कहते हैं कि यार एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना होगा, ताकि हम प्लान करें कि हमारा शेयर होल्डर हमसे कितना रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करेगा ताकि हम उसे दे दें। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी कैलकुलेट करेगी, शेयर होल्डर्स को जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा, शेयर होल्डर्स को जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं TSR, दिस इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो वो एनुअली कंपेयर करता है। जैसे आप किसी कंपनी में जाके देखें, PSO में जाके देखें, PSO ने पिछले साल कितना रिटर्न दिया वो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होगा, लेकिन अब PSO अगले साल कितना रिटर्न देगी, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा, सही है। और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न वेरी करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है 15% की, लेकिन आपने एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न दिया 12%। अगर आपने एक्सपेक्टेशन से कम दिया शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, अगर आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिया शेयर होल्डर्स विल बी मोर हैप्पी। गुड न्यूज मार्केट ऊपर, बैड न्यूज मार्केट नीचे। कोई कहे ना कि यार बड़ा F9 पड़ा हुआ है, आ जाओ जरा कुछ बातें बातें करते हैं, ये बताओ स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जाती है, तो आप उसका आंसर पता क्या देंगे, कहेंगे डिमांड ज्यादा है। वो कहेगा डिमांड क्यों ज्यादा है, आपने कहा बहुत सारे फैक्टर हैं, उसने कहा कुछ बताओ, उसने कहा गुड न्यूज। अगर आपको गुड न्यूज मिले कंपनी के बारे में
इकोनॉमी के बारे में, सही है, प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। अगर बुरी न्यूज मिले, आपको पता लगा जी वो ट्रंप ने इमरान खान को फोन करके कहा कि भाई हम हमारे यहाँ तो बंदे मर गए, लाख दो लाख हमारे पास तो पैसे खत्म हो गए, लाए हमारा कर्जा वापस करें। इमरान खान ने कहा भाई हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, मैं तो रोजाना बैठ के कह रहा हूँ लाओ राशन दो राशन दो राशन दो, हम कहाँ से दें। उन्होंने कहा हम तो भाई आप पे सेंक्शंस लगा देंगे, बंद कर देंगे, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। इज देयर एनीथिंग टू डू विद ट्रंप एंड इमरान खान विद स्टॉक एक्सचेंज? ये क्या हो रहा है, क्या कनेक्शन है ट्रंप और इमरान खान का और स्टॉक एक्सचेंज का? तो भाई इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमी में कोई टेंशन होगी तो जितनी भी कंपनीज काम करती हैं सब इकोनॉमी के अंदर काम करती हैं। अगर आपकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, अगर आपकी इकोनॉमी को झटका लगेगा, अगर आपकी इकोनॉमी को झटका लगेगा तो अल्टीमेटली कंपनीज को भी झटका लगेगा। इसलिए वेरी गुड आंसर, गुड न्यूज स्टॉक मार्केट ऊपर, बैड न्यूज स्टॉक मार्केट नीचे। इसे आसान आपको कोई तरीका नहीं पता लग सकता, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदने का डिसीजन लेना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ कप इजी कप ऑफ टी क्या आप जाएं स्टॉक मार्केट में एनालाइज, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है और इसमें बहुत कहानियां होती हैं, इसमें बहुत नुकसानात होते हैं लोगों के, बहुत सारी कहानियां होती हैं। लेकिन फिर भी जो ना शेयर होल्डर बाज नहीं आते, उनको नज़र ही स्टॉक मार्केट आती है। तुम लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल F5 पढ़ा तो मैं तुम्हें से लेके जाऊँ कि जो इन्वेस्टर या डिसीजन मेकर का रिस्क पर्सपेक्टिव होता है उसके अंदर एक होता है रिस्क लवर, एक रिस्क अवर्सर और एक रिस्क न्यूट्रल। तो अब इन्वेस्टर अपने आप को देख ले कि मैं कौन हूं। अगर एक इन्वेस्टर रिस्क लवर है, जैसे हमारी सोसाइटी में सारे लवर मौजूद हैं, हर वक्त इधर उधर नजरें घुमाते रहते हैं कि कोई मिल जाए तो कुछ सेटिंग करें और ये सारे काम करें, क्लास में आजकल बेचारे बड़े परेशान होंगे, घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, कोई है ही नहीं, चल रहा है माहौल, गुना भी कम हो रहे हैं। तो अगर रिस्क सीकर होगा, रिस्क लवर होगा, तो वहां इन्वेस्ट करेगा जहां उसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जब रिस्क अवसर होगा तो वो वहां इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसे कम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो शेयर होल्डर रिस्क टेकर होता है। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है रिस्क टेकर। इसलिए हाई रिस्क, जब वो हाई रिस्क लेता है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हाई रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ज्यादा रिस्क ले और रिटर्न ज्यादा डिमांड ना करे। तो आप इस सेंटेंस को याद कर लें, एक ये याद कर लें डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और एक ये याद कर लें हायर इज द रिस्क हायर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न, ताकि आपको आसानी रहे चीजों को ग्रास्प करने के लिए। मेरा रिस्क थोड़ा सा न्यूट्रल, आई एम अ न्यूट्रल टाइप पर्सन, ना बहुत ज्यादा रिस्क ना बहुत कम रिस्क, जिंदगी में इत्तेदाल होना चाहिए, एक मीडियम टाइप का बंदा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पैसा ना बहुत कम पैसा, ना बहुत ज्यादा शोहरत, ना कोई जानता ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, ये ना बहुत ज्यादा आपके पास हाई फाई चीजें हैं, ना आपके पास पता लगा मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तो मीडियम टाइप का बंदा हूँ भाई, बीच में ना मॉडरेट लेवल का, ताकि जिंदगी गुजारने में आसानी हो। इसलिए मैंने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है ना, तो मैं स्टॉक मार्केट में भी इस तरीके से पैसा लगाऊंगा कि जो रिस्क होगा उसको मैं काफी हद तक मिटिगेट कर लूं। उसके तरीके हम तुम लोगों को बताए जाएंगे आगे जाके कि इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। चलें, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि आपके पास तो कोई गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न है ही नहीं। तो हमें मदद लेनी पड़ेगी कुछ थ्योरीज की। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिलेबस में दो अदद थ्योरीज मौजूद है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसाक आर्टिकल देने का मकसद समझ में आया? मैंने आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर किया हुआ। एंड अदर इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये दो मॉडल्स हैं जिसके जरिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीखेंगे।
मैंने यहाँ शेयर किया था, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे, आप मुझसे पर्सनल, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा 0336286936, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर अगर आपके पास नहीं है तो ये ले मेरा नंबर आप 0336286936। अगर फुरकान ने कोई वो बनाया हुआ होगा, क्या कहते हैं उसको, अगर फुरकान ने आपका ग्रुप बनाया हुआ होगा तो मैं उस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और आपको इस तरह मैं बहुत जहमत देने वाला हूँ, मैं आपको जब बहुत जहमत देने वाला हूँ कि आपको इस तरह के टेक्निकल आर्टिकल्स में पढ़ने को दूंगा और उसके ऊपर सवाल पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या ट्रबल आई उसके अंदर, क्या मसले मसाइल है। तो ये दो मॉडल्स हैं। ऑब्वियसली मेरा टाइम क्लास का बिल्कुल एंडिंग फेज की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर थ्योरी बीन क्रिएटेड बाई एनी वन, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपने अगर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को मोहब्बत के साथ और दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ा तो आपने जुल्म किया F9 के ऊपर, और ये AFM के अंदर भी आएगा दोबारा पूरा F9। तो आपने जफा नहीं की, आपने वफा नहीं की, आपने जफा की स्टडीज के साथ। ये इतना ऑथेंटिक और आउटस्टैंडिंग मॉडल है कि इसका जो बनाने वाला था उसको इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज भी बोलते हैं कुछ लोग मुंह टेढ़ा करके, नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर। So you are going to study a very, very famous model, inshallah, in the next class, capital asset pricing model. लेकिन मैं आप लोगों को एक lecture दूंगा, article दूंगा पढ़ने के लिए। If you read that article or try to watch one of my video lecture on cost of capital, ताकि आपको cost of capital का idea हो, DVM and capital asset pricing model. तो आप मुझसे आर्ग्यूमेंट भी कर सकेंगे एडवांस में, और अगर मुझसे चैनल का लिंक लेना चाहता है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको चैनल का लिंक भेज दूंगा, डायरेक्ट लेक्चर भेज दूंगा, ताकि आप आगे से आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। सो DVM का भी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से भी हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। DVM कंपैरेटिवली कमजोर थ्योरी है, DVM इतनी अच्छी थ्योरी नहीं है, DVM के अपनी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ऑल्दो इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट एवर मॉडल क्रिएटेड बाय द फाइनेंस वर्ल्ड। जी जी, कैलकुलेशन भी है और थ्योरी भी है, सब कुछ है, मिक्स प्लेट। और देखिए, अगर आपको YouTube के चैनल लेक्चर का लिंक चाहिए ना, तो मेरा YouTube का चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा कि फलन घंटी बजाएं और ऐसा करें वैसा करें, बस आप सब्सक्राइब कर लें या मुझे मैसेज करके सर कोई रेलेवेंट लेक्चर दे दें, तो आप F9 की प्लेलिस्ट है वहाँ पर बनी हुई, F9 की प्लेलिस्ट में जाके ले सुन सकते हैं, सो एंड सो ऑन। TSA की पॉलिसी नहीं है एग्जिस्टिंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग देना, अब तक TSA की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आपको डिमांड करनी है तो आप फुरकान से बात करें, वी आर नॉट अलाउड टू गिव द करंट लेक्चर रिकॉर्डिंग। हाँ, ये जो नोट्स यहाँ पे लग रहे हैं ना, 17 पेजेस लिख चुका हूँ मैं, 17 पेजेस लिख चुका, ये आपको ग्रुप के अंदर इमीडिएटली मिल जाएगा, बस मैं आपका ग्रुप आइडेंटिफाई कर लूँ और उसके बाद। यार साथ ये फुरकान को बताना मैं शहरी में क्या खाता हूँ, ये बेचारा बहुत बेचैन हो रहा है, इसको बेचैनी बहुत हो रही है मेरे बारे में, इसको जरा गाइड कर देना।